हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल पर आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए बिना कस्टर्ड पाउडर का कस्टर्ड बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बिना कस्टर्ड पाउडर के ही हम यहाँ पर कस्टर्ड बनाएंगे घर पर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और ये बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। तो हमने मार्केट वाला कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और 1/2 लीटर हम यहाँ पर दूध ले रहे हैं। दूध गर्म है और 1/2 कटोरी चीनी और वनीला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर वनीला एसेंस ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक, आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा जिससे कि जब ये पकेगा तो थोड़ा ऊपर आता है। इसके लिए दूध हमारा थोड़ा गर्म हो गया, हम इसमें चीनी मिक्स करके गर्म कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर लिया था उसे हल्का सा गर्म दूध में इसे हमें मिक्स करके एक स्लरी तैयार करनी है। ज़्यादा इसे गाढ़ा भी नहीं रखना है। और थोड़ा सा मैं इसे कलर देने के लिए 1 पिंच यहाँ पर फूड कलर येलो ले रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और वनीला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 3-4 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। और ये हल्का दूध गर्म है, आप चाहें तो इसे पानी से भी घोल सकते हैं है? लेकिन इसमें दूध इस तरह से देखिए इसे घोल तैयार कर लीजिएगा। अब ये घोल हम जब डालेंगे तो अपनी गैस की फ्लेम को या तो आप बंद कर दीजिएगा या तो इसे लगातार चलाते हुए ही मिक्स करिएगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसे हमें लगातार ही चलाते हुए पकाना है, नहीं तो जो कॉर्नफ्लावर है और मिल्क पाउडर है उसके लम्स पड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसे पका लिया है और इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। और आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अनार, आम, केला और अंगूर लिया है। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने इसे देखिए इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ पर आम को भी इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है, अंगूर भी काट लिया है, अनार को छील लिया है और केला के छिलकों को निकाल कर उसे छील लिया है। तो सबसे पहले हमने इसे ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के। अब हमने जो भी फ्रूट्स लिए हैं सब इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास जो फ्रूट्स अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पर लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करके और इसे अब हम सर्व करेंगे। और ये देखिए सुपर टेस्टी हमारा बिना कस्टर्ड पाउडर के कस्टर्ड बनकर तैयार है। तो इन गर्मियों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।